हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर लेकर आया हूँ जो इसी वर्ष का है। और दोस्तों, जो मैंने एक पेपर और सॉल्व कराया था वो पिछले वर्ष का था। यदि आप लोग को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गैर मौखिक संचार के माध्यम से चलने वाली शिक्षा की मात्रा है। तो दोस्तों, गैर मौखिक संचार माध्यम से चलने वाली शिक्षा की मात्रा कितनी प्रतिशत है? 40% है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, 40%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशिक्षण सत्र में ट्रेनर का ध्यान अनिवार्य रूप से पर होता है। तो दोस्तों, प्रशिक्षण सत्र में ट्रेनर का ध्यान अनिवार्य रूप से किस पर होता है? सिखाने वाले पर। तो सिखाने वाले पर होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, संस्थागत सामग्री जिसे एक प्रशिक्षण सत्र में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वर्कशीट शामिल करना इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। संस्थागत सामग्री जिसे एक प्रशिक्षण सत्र में इस्तेमाल किया जाता है, तो वर्कशीट शामिल करना को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक खुले सीखने के कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षकों की संख्या होगी। एक खुले सीखने के कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो कम होगी। अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण देने वाला शीर्ष निकाय है। तो MANAGE दोस्तों, MANAGE ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्याख्यान पर अंतिम डिलीवरी का सामान्य गति है। तो दोस्तों, इसका 160 शब्द प्रति मिनट। व्याख्यान पद्धति में डिलीवरी की सामान्य गति कितनी है? 160 शब्द प्रति मिनट। तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। अगला देखते हैं। समुदाय में मुख्य रूप से तत्व होते हैं। तो दोस्तों, चार। समुदाय में मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? चार तत्व होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, आठवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, नवा क्वेश्चन। व्याख्यान से पहले त्वरित संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला कागज का मुद्रित या टाइप की गई सीट लिखित वक्तव्य, ऑप्शन नंबर सी। व्याख्यान से पहले त्वरित संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला कागज के मुद्रित या टाइप की गई सीट को क्या कहते हैं दोस्तों? लिखित वक्तव्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4H क्लब का मतलब है। दोस्तों, 4H क्लब का मतलब क्या है? हाथ, हृदय, मस्तिष्क और स्वास्थ्य। हाथ, हृदय, मस्तिष्क और स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर ए सही आएगा दोस्तों। 4H क्लब का मतलब क्या? हाथ, हृदय, मस्तिष्क और स्वास्थ्य। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। प्रशिक्षण पद्धति जो सभी स्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है। सिमुलेशन विधि, व्याख्यान विधि, संवेदनशीलता विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टी समूह प्रशिक्षण के तहत समूहबद्ध किया गया है। दोस्तों, किसे समूहबद्ध किया गया है? संवेदनशीलता विधि को। संवेदनशीलता विधि को टी समूह प्रशिक्षण के तहत समूहबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशिक्षण की सर ट्रेनर अवधारणा बहुत कम संबंधित है। तो ओ समूह से। प्रशिक्षण की सर ट्रेनर अवधारणा बहुत अधिक संबंधित है, ओ समूह से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे वही क्वेश्चन घुमा पूछ दिया है कि संवेदनशीलता प्रशिक्षण में शामिल है। तो कौन सा समूह शामिल है दोस्तों संवेदनशीलता प्रशिक्षण में? तो टी समूह। और वहाँ भी पूछा था टी समूह शामिल है, तो संवेदनशीलता प्रशिक्षण में था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में प्रदर्शन विधि है। दोस्तों, प्रदर्शन विधि कौन सा प्रदर्शन ही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 16वां क्वेश्चन।
प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या न्यूनतम होती है। तो दोस्तों 16वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चर्चा सत्र में प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम होती है चर्चा सत्र में। अगला देखते हैं 17वां क्वेश्चन, एक प्रशिक्षण विधि के रूप में परामर्श के तहत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत विधि। चलते 18वां क्वेश्चन पे, सिंडिकेट अनिवार्य रूप से है एक। तो दोस्तों सिंडिकेट अनिवार्य रूप से क्या है, कथन विधि है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो थोड़ा फास्ट बनेगा। प्रशिक्षकों के बीच पारस्परिक संचार में सबसे प्रभावी है। तो दोस्तों भूमि निर्वहन, प्रशिक्षकों के बीच पारस्परिक संचार में क्या प्रभावी, भूमि निर्वहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमिका निर्वहन, जहाँ एक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फाइको नाटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, फाइको नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीज सत्र समान रूप से के लिए जाता है, 5 से 10 मिनट के लिए किया जाता है। बीज सत्र समान रूप से कितने मिनट के लिए किया जाता है, 5 से 10 मिनट के लिए किया जाता है। देखते हैं 22वां क्वेश्चन दोस्तों, समूह विकास में चरण जो अनिश्चितता की विशेषता है, तो गठन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रशिक्षण की विधि जो समस्या निदान पर जोर देती है। तो दोस्तों व्यक्ति विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, संवेदनशीलता प्रशिक्षण का फोकस अनिवार्य रूप से किस पर है, तो अज्ञात स्व पे। ऑप्शन नंबर सी से जगह अज्ञात स्व। चलते हैं 25वें क्वेश्चन पे, एक बच्चा जो अपनी माँ द्वारा पीटते समय रोता रहता है वह है, तो सामान्य बच्चा। एक बच्चा जो अपनी माँ द्वारा पीटते समय रोता है वो कैसा बच्चा है, सामान्य बच्चा है दोस्तों। अगला देखते हैं 26वां क्वेश्चन, बड़े समूह के लिए हम अपना सकते हैं। तो बड़े समूह के लिए हम क्या अपना सकते हैं, चर्चा सत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रशिक्षु के व्यक्ति तो का हिस्सा जो केवल उसके द्वारा जाना जाता है। तो दोस्तों छिपा हुआ स्व दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। देखते हैं 28वां क्वेश्चन, भागीदारों की बातचीत और भागीदारी उत्तम डिग्री में होती है। तो दोस्तों प्रयोगशाला विधि में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया सबसे अधिक होती है, तो अनुकरण विधि में। अनुकरण विधि में दोस्तों प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया सबसे अधिक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 30वें पे, बहुत गहन शिक्षण किसकी विशेषता है। बहुत गहन शिक्षण किसकी विशेषता है दोस्तों, अनुकरण विधि की। अगले क्वेश्चन चलते हैं, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण में शामिल नहीं है। तो दोस्तों जीवित रहने का चरण में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वां, बुनियादी जीवन स्क्रिप्ट की आयु से पहले दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों एक बुनियादी जीवन स्क्रिप्ट एक की आयु से पहले दर्ज किए जाते हैं। अगला देखते हैं, CAPART कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लखनऊ में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, गरीब से गरीब व्यक्ति की सहायता के लिए लागू किया गया कार्यक्रम है। तो दोस्तों इस 34वां का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, NAEP दोस्तों। चलते हैं 35वां प्रश्न पे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को छोड़कर सभी शामिल हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किसको छोड़कर सभी शामिल हैं दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 35वां का इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 36वां पे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को प्रायः के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों, 36वां का ऑप्शन नंबर बी से पूसा संस्थान के रूप में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को प्रायः किसके रूप में जाना जाता है, पूसा संस्थान के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, लखनऊ में स्थित है। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोल प्ले विधि में डाटा होता है। तो दोस्तों स्वयं उत्पन्न होता है, रोल प्ले विधि में डाटा स्वयं उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विचार मंथन सत्र में प्रशिक्षक की भूमिका है। दोस्तों सुविधा प्रदान करने वाला, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला देखते हैं, डाटा बहुत सारगर्भित और सामान्य होता है। तो
व्याख्यान में डाटा बोध स्वार गर्भित और सामान्य होता है। 41वां प्रश्न देखते हैं, प्रशिक्षक प्रशिक्षु अनुपात अधिकतम होता है। तो दोस्तों व्याख्यान में प्रशिक्षक प्रशिक्षु व्याख्यान अधिकतम व्याख्यान में होता है। अगला देखते हैं, प्रशिक्षण और निरीक्षक प्रणाली में VLW के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों पाक्षिक आधार पर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 43वां प्रश्न देखते हैं, प्रशिक्षण पद्धति जो कि संज्ञानात्मक क्षेत्र को अधिक महत्व देती है। तो दोस्तों विचार वो एस ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, विचार मंथन में विचार का मूल्यांकन होता है। तो हरे चरण में विचार मंथन विचार का मूल्यांकन कहाँ होता है, हरे चरण में होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों आपसे नंबर डी व्यक्तिगत तो विधि हो जाएगा। अगला देखते हैं, समाज शास्त्र के जनक हैं। तो दोस्तों अगस्त कांटे हैं समाज शास्त्र के जनक। अगला देखते हैं, समाज शास्त्र की बुनियादी अवधारणा है। तो समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणा क्या, समाज है। अगला देखते हैं, समाज की उत्पत्ति का कारण था। तो दोस्तों समाज की उत्पत्ति क्या कारण था, मूल्यांकन। समाज की उत्पत्ति कारण मूल्यांकन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किसी विशेष उद्देश्य के लिए आयोजित लोगों का एक समूह कहा जाता है। तो संगति संघ कहा जाता है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों कक्षा पर आधारित है। तो दोस्तों आर्थिक कक्षा आर्थिक स्तर पर आधारित ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते हैं 51वां प्रश्न पे, आदतों और परंपराओं के आधार पर व्यवहार के अनौपचारिक नियम है। तो दोस्तों इसका लोकमार्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, समाज में पुरुषों का व्यवहार दो सेनाओं बलों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो शारीरिक और सामाजिक ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जनसांख्यिकी। तो दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जनसांख्यिकी कहलाता है। दोस्तों इसके बाद का उत्तर नहीं मिल रहा है तो मैं आप लोगों को यहीं तक छोड़ देता हूँ। और दोस्तों यदि आप लोगों का इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। और इस चैनल पर BSc एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर की सभी विषय की तैयारी कराई जा रही है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।